अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, सब खुश होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को बहुत सारी खुशियाँ दे, हमेशा खुश रहें। ये देखें, आज मैं एक और वीडियो लेके आई हूँ। उम्मीद करती हूँ मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगेगी। अच्छी लगे लाइक सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर किया करें, सही है ना। तो ये है मेरे पौधे, मैं गार्डन से ले आई, गार्डन की सफाई कर रही थी तो मैंने कहा इनको भी ज़रा सेट कर लूँ, तो मैं इनको अंदर ले आई। मैंने कहा मैं आप लोगों को भी दिखाती हूँ। तो ये देखे मेरे नाजबो के पौधे, ये देखे माशाल्लाह से। मैंने कहा ये कटिंग कर लूँ, जो ये देखे ऐसे ही इनके बीज ये सूख गए ना, मैं इनके बीज निकाल लूँगी, अलग कर लूँगी। क्योंकि ये मैंने ना जैसे भी वो क्या कह रही हूँ, हाँ वो पहले भी ना मैंने जैसे सुखा के बीज रखे थे तो मैंने ये बीज डाले थे, तो माशाल्लाह से ये निकल रहा है। यहाँ ना पौधे बहुत महंगे मिलते हैं, अगर मैं ये इतना बड़ा ये ख़रीदने जाऊँ ना, मुझे 50-60 रुपए का देंगे, बल्कि और भी ज़्यादा का देंगे। तो ये मैंने खुद लगाए थे, बीज डाले थे, तो ये इतने बड़े हो गए हैं माशाल्लाह से। तो मैं ना अभी ना जो ये पौधों में सूख गए हैं ना, इनके बीज फिर से ले लूँगी, खैर से अगले साल लगाऊंगी। इसके ज़्यादा पकेंगे, देखे ये इसके ना ज़्यादा है। और ये पौधे में ना जैसे मैंने टमाटर के भी डाल दिए थे, फल्ली के भी डाल दिए थे, मिर्ची के भी डाल दिए थे, सब मिक्स है यहाँ पे। मैं ना अब इनको अलग अलग करूँगी, खैर कोई ना, अब तो सीज़न भी चला गया, मैंने कहा छोड़ दो। हर तरह के निकले, मिर्ची निकली है, जैसे ये देखे ये मिर्ची है जो लाल हो गए हैं। मैं इनको भी तोड़ के ना जैसे सूखने के लिए रख दूंगी, अगले साल मेरे काम आएंगे। तो ये भी देखे माशाल्लाह से, इसमें मुझे ना बीज बहुत मिलेंगे। ये देखे ये ना हर तरह के नाजबू है, जैसे ये अलग नस्ल का है, ये अलग नस्ल का, ये देखे, और ये अलग है। सबसे ज़्यादा खुशबू ना ये पत्ते देते हैं, ये पत्ते बहुत ही छोटे छोटे निकलते हैं। खैर आप तो सीजन जा रहे, इसको ना हिलाओ भी ना जैसे खुशबू उठती है, जैसे बहुत ज़्यादा कमरे में भी रखो तो खुशबू फैलती रहती है। ये सब मैंने बीज लगाए थे माशाल्लाह से, तो ये निकल आए थे। अब मैं इनके ना जैसे वो बीज ले लूँगी, तो इनको देखूँगी बचते हैं कि नहीं। इनको ना जैसे मैं कमरे में रख दूँगी तो देखती हूँ। और ये टमाटर का है, जो ये जो छोटे छोटे टमाटर होते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसका एक नाम है। देखे ये ना साल 12 महीना रहता है, और ना इनका पौधा भी ज़्यादा बड़ा नहीं होता माशाल्लाह से, टमाटर ना इसे भर के निकलते हैं। ये देखे इनके पौधे ना ज़्यादा बड़े नहीं होते, मगर टमाटर बहुत ज़्यादा निकलते हैं। ये हवा तेज़ चल रही थी ना, तो वो गिर गया हवा हवा की तेज़ी से। और भी देखे फूल भी निकल रहे हैं, जैसे छोटे छोटे टमाटर भी है। तो मैं ना इनको ना अभी ना इन सबको ना जैसे ऐसे कैंची से ना जैसे इनको काट दूंगी, तो ये सारे मैं ले लूँगी ऐसे। फिर बीज को ज़रा सुखा के फिर डब्बे में डाल के रख दूंगी, ताकि अगले साल मेरे काम आ जाए, सही है ना। फिर मैं फिर से बीज लगाऊंगी तो और भी ज़्यादा पौधे निकल आएंगे। ऐसे पता नहीं ये बचेंगे कि नहीं, ऐसे रखूंगी, ख्याल करूंगी, देखूंगी, नसीब सही हुआ तो सही हुआ, वरना दूसरे लगा लूंगी, कोई ना, सही है ना। तो अभी मैं इनकी ज़रा सफाई कर लूँ, इनकी ज़रा कटिंग कर लूँ, फिर क्या नाम से फिर मैं बाद में आप लोगों को दिखाऊंगी, सही है ना। तो उम्मीद करती हूँ मेरी ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे लाइक सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर किया करें, और मेरी वीडियो बिना स्किप किए पूरा देखा करें, सही है ना। चले फिर, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। हमेशा खुश रहे, सलामत रहे, जीते रहे, मुस्कुराते रहे, और यूं ही मेरी वीडियो देखते रहें। अल्लाह हाफिज।